नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल करीम। जैसा कि आप सबको पता है कि देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर कल तमिलनाडु के कन्नूर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कुल 14 लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिरकार CDS का मतलब क्या होता है और CDS का कार्य क्या होता है। जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, जो तीनों सेनाओं के बारे में रक्षा मंत्री के मुख्य सैन्य सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे। जनरल बिपिन रावत 1 जनवरी 2020 को भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS बने थे। CDS की मुख्य जिम्मेदारी अभियानों में संयुक्तता लाकर संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए सैन्य कमानों की पुनर्संरचना करना होता है। तो आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि CDS का मतलब क्या होता है और इसका कार्य क्या होता है। CDS सेना के तीनों अंगों के मामले में रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं और इसके साथ ही तीनों सेनाओं के अध्यक्ष रक्षा मंत्री को अपनी सेनाओं के संबंध में सुझाव भी देते हैं। यानी कि जो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं वो रक्षा मंत्री को अपनी सेनाओं के संबंध में बारे में सुझाव भी देते हैं। CDS रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता वाली रक्षा नियोजन समिति का सदस्य होता है। इसके अलावा परमाणु कमान प्राधिकरण के सैन्य सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कार्य होता है कि वह सेना के तीनों अंगों के बीच दीर्घकालिक नियोजन, ट्रेनिंग, खरीद और परिवहन के कार्यों के लिए समन्वय का कार्य करे। जी हाँ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का साइबर और स्पेस कमांड का भी जिम्मा दिया गया है। CDS के कार्यों में सबसे खास बात यह है कि वो रक्षा मंत्रालय के तहत नवगठित सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेगा। तो दोस्तों, CDS बिपिन रावत जो थे, आपको बता दें कि किस तरह से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया और उसको पूरे देश ने देखा। आज देश ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी सभी की आंखें नम है, यहाँ तक कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से भी उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। सेना के तीनों अंगों में समन्वय बनाने और एक आदेश पर तीनों को सक्रिय करने के लिए यह पद बनाया गया है। साल 1999 के कारगिल युद्ध के बाद भी भारत में एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद को बनाने की पहल की गई थी। उस समय कहा गया था कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद सेना के तीनों प्रमुखों से ऊपर होगा और वह अपने पद पर 65 वर्ष की उम्र तक कार्य कर सकेगा। CDS की ताकत के बारे में भी जान लेते हैं कि CDS की ताकत कितनी होती है। जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर सैनिक मामलों के विभाग के भी प्रमुख थे। वह तीनों सैन्य सेवाओं के लिए प्रशासनिक कार्यों की देखरेख कर रहे थे। साथ ही देश के सभी सुरक्षा एजेंसियों, संगठनों और साइबर कार्यों की कमान भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के हाथों में होती है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आज हम सब जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पूरा देश जनरल बिपिन रावत के द्वारा किए गए कार्यों को हमेशा हमेशा याद रखेगा।